अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर नज़ीर और मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आज की नई वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए हॉट टॉपिक है, और हर नया यूट्यूबर ये ज़रूर चाहता है कि उसकी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और उसका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। अगर आप जो वीडियो मेरे ये न्यू यूट्यूबर्स देख रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखें। ये अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि वो कितने स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो छह बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं कि आपने जिनको अपने माइंड में रखना है और इन पे ज़रूर मेहनत करनी है, ताकि आपकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो उन छह स्टेप्स में से जो पहला स्टेप है वो है टाइटल। आपने अपनी वीडियो का टाइटल, जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक आपने चूज़ किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पर सर्च करें पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक पे कौन सी वीडियो बन चुकी है जो कि वायरल है। अगर आपको वीडियो वायरल मिल जाती है तो उसका जो टाइटल है वो आप अपनी वीडियो के टाइटल पे यूज़ करें, नंबर वन हो गया। नंबर टू है, वो है आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप बहुत ही सादा और बहुत ही आसानी से समझ आने वाली डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप इस वीडियो में लोगों को क्या सिखा रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन में आप अपने सोशल नेटवर्क्स जो लिंक्स हैं वो डेफिनेटली इसमें डालिए, और आपकी जो पुरानी वीडियो के लिंक्स हैं और जो वीडियो आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके वीडियो पुरानी हैं उनके लिंक्स लाजमी डिस्क्रिप्शन में डालें, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी पुरानी वीडियोज़ पर भी व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। नंबर टू हो गया। नंबर थ्री है थंबनेल। थंबनेल, आप अपनी वीडियो का थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएं और ऐसा बनाएं कि जो भी आपकी वीडियो का थंबनेल देखे वो इस वीडियो को खोले बगैर ना रह सके। थंबनेल कैसे बनाना है, अच्छा थंबनेल कैसे बनेगा, मेरी ये मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फोर स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप तमाम स्टेप्स के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट इस स्टेप पे दे देते हैं तो आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है वायरल हो सकती है और आपकी वीडियो सर्च इंजन में ऊपर से ऊपर आ सकती है। और वो फोर्थ स्टेप क्या है, वो है टैग्स। आप अपने वीडियो के टैग्स बहुत ही ध्यान से लगाएं, बहुत ही अच्छे लगाएं, और ऐसे टैग्स लगाएं जो कि सर्चेबल हैं, बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं। अच्छे टैग्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिफ्थ वन जो पॉइंट है, जो पांचवा हमारा पॉइंट है, वो ये है कि आप अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं या अपनी वीडियोस पे जो आपके व्यूज़ आते हैं, जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उस टाइम को आप नोट कर लें कि आपकी वीडियो पे जो व्यूज़ आते हैं वो किस टाइम पे आते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो उस टाइम पे ही अपलोड करें। तो सिक्स और लास्ट स्टेप ये है कि आप अपनी वीडियो के इख्तिताम में एंड स्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। एंड स्क्रीन में कोई भी वीडियोस आप मेंशन कर दें और अपने चैनल का नाम मेंशन कर दें, उसमें बहुत उम्मीद है कि आपने जो वीडियो मेंशन की है उसके व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये तमाम वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।